कटवाइए भाई, लगाइए दीदी, हाथ लगाइए, आप आगे आगे आगे। अब बताइए मुकामा में इतना प्यार मिला है तो कैसे ये बिना नतीजों के परिणामों में बदले कैसे जाएगा? अरे इसको रख लो, धन्यवाद धन्यवाद अरुण जी। अब इसके अलावा आपके जो भी सवाल हो। मोकामा का जो चुनाव है वो एक बहुत अहम मोड़ पे आ चुका है और मोकामा की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार कमल का बटन दबाकर भाजपा के प्रत्याशी को, सोनम जी को, यहाँ से बड़ी बहुमत से विजयी बनाकर भेजने वाली है। हमारे लिए ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता माननीय विजय कुमार सिन्हा जी भी मोकामा में उपस्थित हैं और साथ ही साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हमारे भाई बिहार के युवाओं के दिलों की धड़कन चिराग पासवान जी यहां मोकामा में उपस्थित हैं। इधर इधर ले आइए। साथ ही में मोकामा की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हमारे बीच बहन सोनम जी भी उपस्थित है। मित्रों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं एक बार आपके बीच हमारे नेता विजय सिन्हा जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी दो शब्द रखें, चिराग जी का स्वागत भी करें और उसके बाद हम चिराग जी से आग्रह करेंगे कि आप सबको संबोधित करें। माननीय विजय सिन्हा जी, आज चिराग जी के जन्मदिन के अवसर पर चिराग जी का यहाँ पे हम हृदय से स्वागत करते हैं। भगवान इनको लंबी आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे। धन्यवाद। हमारे नेता अब चिराग जी का स्वागत करेंगे। विजय सिन्हा जी, मित्रों, आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि बीजेपी से सौदेबाजी हुई है, देखिए सौदेबाजी शब्द राजनीतिक परिपेक्ष में ये शब्द उचित नहीं माना जाता। सौदेबाजी नहीं, बट हाँ, हम लोग की बातचीत जरूर हुई है। राजनीति में जब समर्थन किया जाता है या गठबंधन होता है तो वो सिद्धांतों पर होता है, विचारों के आधार पर होता है, मुद्दों के आधार पर होता है। यकीनन एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही थी, कई उनके केंद्रीय मंत्रियों से मेरी बातचीत चल रही थी और अंत में आज से दो दिन पहले मेरी एक लंबी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से हुई और उस मुलाकात में इतना ज़रूर तय हुआ कि कम से कम इस दो विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं, मोकामा और गोपालगंज, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी, दोनों जगह के प्रत्याशी का समर्थन करेगी। गठबंधन को भी लेकर कई चर्चाएं हुई हैं पर उसमें अभी कुछ बिंदु और हैं जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे और मुझे लगता है आने वाले दिनों में संभवतः उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। पर फिलहाल कोई सौदेबाजी नहीं, पर हाँ, विचार हम लोग के कभी मतभेद था भी नहीं। एक लंबे समय से अगर आप देखें और 2020 में भी जब मैंने अकेले भी चुनाव लड़ने का काम किया उस वक्त भी मैंने भाजपा के खिलाफ कभी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था क्योंकि भाजपा लोजपा में कभी इस तरीके का कोई टकरार ही नहीं था। मुख्यमंत्री जी की नीतियों से मैं ज़रूर थोड़ा चिंतित रहता था क्योंकि बिहार की सोच के अनुपात नहीं होती थी, तो इसीलिए भाजपा लोजपा पुनः पूरी ताकत से मिलकर दोनों सीटों पर जीत हासिल करने जा रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने क्या आपको आश्वस्त कर दिया है नीतीश कुमार के एनडीए में नहीं होंगे? चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग आ रहे हैं। अरे प्रभु, ये सब सवाल है।
चाचा से गले लगे चले आगे चले।